अवैध पट्टे को निरस्त करने का मामला है। 19वें दिन भी नेता प्रतिपक्ष अजय लल्लू और ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया है। लगभग 2 घंटे तक जल सत्याग्रह किया उन्होंने। खनन पट्टे को जिला प्रशासन वैध बताते हुए काट रहा खन्नी। धरनार्थ लोगों में बढ़ रहा है रोष। तमुकी हजाज तहसील के विरवट कुनहवालिया घाट का यह पूरा मामला है, जहां पर बालू खनन के अवैध पट्टे को काटे की कोशिश की जा रही है। 2 घंटे तक जल सत्याग्रह किया है लोगों ने। जिला प्रशासन वैध बता रहा है और कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। धरनारत लोगों में रोष बढ़ रहा है इस पूरे मसले पर। संवाददाता आदित्य पांडे जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, क्या कुछ ताजा जानकारी? आपको बता दें कि जिला प्रशासन के तानाशाह रवैये से तमकुही विधायक विधानसभा के क्षेत्र के लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। इनके परेशानियों को दृष्टिगत देखते हुए कांग्रेस विधायक व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दल के अजय लल्लू ने इनके धरने में 19वें दिन शामिल होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। मामला आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बालू खनन को अवैध पट्टा जारी कर दिया गया था, जिसमें यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नारायणी नदी पर बने बंधे पर खतरा मंडरा रहा है। यदि यह खनन पट्टा निरस्त नहीं किया गया तो ये लोग जल सत्याग्रह कर धरना जारी रखेंगे। जी आदित्य, लेकिन जिला प्रशासन इसे वैध बता रहा है, कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? कुछ बात हो पाई है आपके अधिकारियों से? जी, जिला प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पट्टा जो किया गया है वैध है, लेकिन वह जो स्थिति है, आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है, लोगों पे जो अगल बगल गांव हैं वहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, गांव जलमग्न हो जाते हैं, इसके वजह से वहाँ पे लोग इस पट्टे को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।